हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और निशा फैशन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अरबी की एक चटपटी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। ये रेसिपी मेरी नहीं, सरता वेजदी की है। उन्होंने बहुत ही झटपट क्विक तरीके से इसे बनाया है, बट है बहुत चटपटी। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि सरता वेजदी एक मामूली से अरबी की कितनी अच्छी और प्यारी और झटपट से बनने वाली रेसिपी लेकर आई है। तो चलिए चलते हैं सरता वेजदी के साथ कि उन्होंने कैसे इस अरबी की रेसिपी को बनाई है। वैसे ये सिंधी रेसिपी है, बट बना रही है सरता वेजदी। हेलो फ्रेंड्स, ये अरबी है और आज मैं आप सभी के साथ सरता वेजदी की अरबी की रेसिपी शेयर करूँगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये रॉ अरबी ली है। अब इस अरबी को मैं खूब अच्छे से खुले पानी के नीचे साफ करके इसे एक बॉयल दे दूंगी, एक सीटी की। उसके बाद आगे का प्रोसेस बताऊंगी। बॉयल करके इस अरबी को छील लेना है, इसके छिलके को, पिल को, इसको निकाल लेना है। निकाल कर उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मिलिए हमारी सरता वेजदी से। आज ये आपको बताने जा रही हैं अरबी की सिंधी रेसिपी। उसके लिए मैंने अरबी को बॉयल कर रखा है। आगे का प्रोसेस सरता वेजदी के थ्रू। हेलो दोस्तों, मैं आज आई हूँ निशा फैशन चैनल पे और एक सिंधी रेसिपी है जिसको अरबी टूक बोलते हैं। ये एक स्नैक्स की तरह भी आप खा सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। ये देखिए, हमने अरबी ले ली है और इसको एक विसल करके बॉयल कर लिया, आप छील के रख लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा हल्का भूनेंगे, बिल्कुल ही डीप फ्राई करेंगे। और मसाले भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, हमारा अरबी डीप फ्राई होने जा रहा है। हमने ऑयल को पहले से गर्म कर लिया था। बहुत ही यमी और दमदार ये रेसिपी बनके तैयार होती है, अरबी टूक। आप अरबी टूक को के तरीके से ही पोटैटो का भी बना सकते हैं, जिसको आलू की सिंधी आलू टूक बोलते हैं। रेसिपी आलू टूक बोलते हैं। सेम प्रोसेस है, सिर्फ आपको अरबी की जगह उसके लिए ये यूज़ करनी पड़ती है पोटैटो। इसको आपने बस हल्का सा ही फ्राई करना है, उसके बाद निकाल लेना है। इसको हम हाई फ्लेम पे कर रहे हैं। दी इसको हाई फ्लेम पे कर रही हैं। देखिए ऑयल में हमारा अरबी कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है। ये फ्राई होता है, उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी अरबी हल्का गोल्डन हो चुका है। अब हम इसे निकाल कर दबाएंगे, उसके बाद फिर सेकेंड टाइम फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने एकदम बिल्कुल सीम कर दिया है। अब इसको हम दबाएंगे। तो इसको कैसे हल्के हल्के हाथ से दबाना है आपको, और फिर इसको मसालों में कोट करेंगे। इसको डीप फ्राई करके आप छोटी हाइट की अरबी भी ले सकते हैं। देखिए, दी ने बिल्कुल हल्का हल्का इसे पुश करके दबाया है कटोरी की मदद से। अब इसे दोबारा से हम फ्राई करेंगे। हेलो दोस्तों, ये 250 ग्राम अरबी है, तो इसके हिसाब से मैं आपको मसाले बता रही हूँ। इसमें एक बड़े बॉल में ये ले लीजिए, 1 से 1.5 चम्मच दरदरा पिसा हुआ धनिया, सूखा धनिया, और आधा छोटी चम्मच लाल मिर्ची। अगर आप खाते हैं नहीं तो आप फिर देगी मिर्च खा सकते हैं। आधी छोटी चम्मच देगी मिर्च है और बिल्कुल 1/4 चम्मच काली मिर्च, और ऐसे ही इतना ही आपको गरम मसाला डालना है
और इतना थोड़े इससे थोड़े ज़्यादा आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ले सकते हैं, और ड्राई मैंगो पाउडर जिसको आप अमचूर बोलते हैं तो वो 1 से 1.5 चम्मच जाएगा। ये सारे मसाले आप मिला के रख लीजिए। ये हमारी अरबी जब डीप फ्राई हो जाएगी फिर इस मसाले में हम अपनी अरबी को कोट करेंगे। अब ये देखिए दी दोबारा से गर्म तेल में दबी हुई अरबी को फिर से फ्राई कर रही हैं, बिल्कुल कुरकुरा होने तक इसे फ्राई करेंगी। देखिए बिल्कुल तेज आंच पे है, सीम आंच पे करने पे तेल ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम फुल फ्लेम पे इसे करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए इतना डीप हो गया है, इसके बाद हम इसे निकाल रहे हैं और उसके बाद इसे मसाले में कोट करके ये बिल्कुल स्नैक्स के रूप में खाइए, पराठे के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, जैसे मर्जी खाइए। अगर सफ़र में कैरी करना है तो बहुत बढ़िया है, इसमें ग्रेवी भी नहीं है, जल्दी से ख़राब भी नहीं होता। हाँ, नहीं दी ख़राब नहीं होगा क्योंकि सूखे मसाले हैं ना। फ्रेंड्स मैं इसको मसालों में कोट कर रही हूँ, अब ये रेडी हो गया दी, ये खाने के लिए अब रेडी है। बस अब इसे दी प्लेटिंग कर देंगी और प्लेटिंग के बाद ये बिल्कुल रेडी है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं शारदा विज आपकी सेवा में हाजिर हूँ। देखिए ये रेसिपी अरबी टूक खाने को बिल्कुल तैयार है, आप लोग भी इसका आनंद लीजिए बना के, और जल्दी फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी अरबी टूक बनकर रेडी है, यम्मी टेम्प्टिंग अरबी, तो एंजॉय कीजिए और हमें भी बताइए कि आपको हमारी ये अरबी टूक कैसी लगी। शारदा विज दी ने बहुत प्यार से बहुत झटपट से जल्दी से बनाकर बताया है, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और सेम प्रोसेस से आप आलू की भी अरबी की जगह अरबी टूक की जगह आलू टूक बना सकते हैं, और ये सफ़र के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें और हमारे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में किसी और ब्लॉग में किसी और प्रोसेस के साथ, तब तक के लिए मुझे और शारदा विज दी को विदा दीजिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। फ्रेंड्स हमारी अरबी टूक बनकर रेडी हो गई है, अब देखते हैं ये टेस्ट में कैसी है। डिलीशियस, बहुत 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 टेस्टी बनी है शारदा दी, बहुत टेस्टी। फ्रेंड्स आप भी ट्राई कीजिए और बताइए हमें कि आपको ये अरबी टूक कैसी लगी है। बहुत चटपटी, बहुत यमी और बहुत डिलीशियस बनकर तैयार हुई है। शारदा विज के हाथों में सही में जादू है, हर कुछ हर कोई बनाता है, बट कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी के हाथों का जादू काम कर जाता है, तो ये शारदा विज दी के हाथों का जादू है। इसे आप भी ट्राई कीजिए और बनाकर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में किसी और ब्लॉग के साथ, किसी और जगह घूमते हुए कुछ और मस्ती करते हुए निशा फैशन की किसी और फैशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और अपने प्यार और कमेंट्स हमें देते रहिए और हमें बताते रहिए कि हमारे ब्लॉग्स और पोस्ट आपको कैसे लगते हैं। अगर पसंद आते हैं तो लाइक, नहीं पसंद आते हैं तो डिसलाइक, बट बताइए तो सही कि आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लगती है। तब तक के लिए बाय बाय, जब तक हम नए वीडियो नहीं लाते हैं।
टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।